अस्सलाम वालेकुम गाइस, टू वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज का सीन ये था कि आज मैं आया हुआ हूँ शेरशाह गनी चौरंगी में। गोदाम है, काफ़ी सारे गोदाम है यहाँ पे। मैं और मेरे दोस्त ऑफिस से आज ऑफ करके हम लोग पहुँच गए थे शेरशाह। अच्छा, हम यहाँ पे जो है ना गोदाम्स में जाएंगे ना, तो यार टूटे फूटे रोड पार करते हुए हम लोग अब गोदाम में पहुंच गए थे। काफ़ी रश था आज, क्योंकि आज सैटरडे संडे को ये बंद होता है, इस वजह से आज का दिन था हमारे पास। हमने कहा चलो हम चक्कर लगा ही लेते हैं। हम काफ़ी देर बाद, बहुत लंबी ड्राइव थी, हम काफ़ी लंबी ड्राइव करके हम पहुंच चुके थे, बाइकों पे थे हम लोग। अच्छा, तो हम गोदाम के अंदर अब जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं कि गोदाम के अंदर क्या क्या होता है। ये इस तरह से ये गोदाम बने हुए हैं, देखें यहाँ पे ना काफ़ी रश था यार, रश बहुत था ना। तो यहाँ के जो मेन वजह थी ना मेरी आने की, वो ये थी कि यहाँ पे जो है ना मोबाइल फ़ोन और टैबलेट्स लैपटॉप ना बड़े सस्ते रेट में यहाँ पे मिल जाते हैं। चोरी के तो नहीं होते हैं, मतलब ये होता है कि जैसे कि नॉन कस्टम पेड चीज़ें होती हैं ना, जैसे जो आईफोन है और जो दूसरे मोबाइल से, वो पीटीए नॉन पीटीए अप्रूव होते हैं, पीटीए अप्रूव नहीं होते वो। तो वो ऐसे होते हैं कि जैसे घर में गेम वगैरह यूज़ करने के लिए बंदा यूज़ कर सकता है। यहाँ पे आईफोन 13 प्रो मैक्स भी था, यहाँ पे काफ़ी सारे मोबाइल थे, हम बहुत सारे गोदामों में गए थे। और हमारा एम ये था कि हमारे साथ थे रिहान भाई, उनको हमें दिलाना था लैपटॉप कम रेंज के अंदर। तो हमने काफ़ी सारे लैपटॉप्स भी यहाँ पे चेक किए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना एसेसरीज बहुत थी, ये जूते चप्पल काफ़ी सस्ते रेट में थे यार, काफ़ी सस्ते रेट में यहाँ पे मिल रहे थे। अच्छा, तो यहाँ पे और ये था कि जैसे जूसर मशीन हो गई, इस्त्री हो गई, हेयर ड्रायर हो गया, काफ़ी सस्ते रेटों में दे रहे थे। और अगर ज़्यादा आपको क्वान्टिटी में चाहिए तो किलो के हिसाब से ये लोग दे रहे थे। यहाँ पे वैप्स रखी हुई है, वैप्स मतलब स्मॉक्स वगैरह थी, ये भी काफ़ी सारी थी, अच्छी क्वालिटी में थी, मैं यूज़ नहीं करता, मुझे नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। थी यहाँ पे काफ़ी सारी रखी हुई थी। अच्छा, यहाँ पे ये एयरबड्स वगैरह रखे हुए थे, वॉचेस थी यार, थ्री कोई वॉचेस थी, ये आईफोन 13 एंड आईफोन 14 था। मैंने उनको मुझे निकाल के दिखा रहे, मैंने कहा नहीं रहने दो। तो ये टैबलेट्स वगैरह रखे हुए हैं, मोबाइल तो भाई इतने मोबाइल थे यहाँ पे, इतने मोबाइल थे, मतलब मोबाइलों की इनको लाइन थी। आईफोन 13, 14, आईफोन 5, आईफोन 3 भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको ना, आईफोन 3 भी मिल जाएगी। दोनों भाई बहुत अच्छे थे, मैंने कहा हमारी वीडियो शूट करिएगा, मैंने उनको शूट करी, मैंने कहा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पे ये हम लोग लैपटॉप्स चेक कर रहे थे, लैपटॉप्स आईफोन के थे, सस्ते लैपटॉप्स थे। बोल तो रहे थे कि ब्रांड मतलब न्यू पैक है, लेकिन ऐसा कुछ ही नहीं था, यूज़ किए हुए लैपटॉप्स थे, क्योंकि पता है आपको हम यूज़ करते हैं तो उतना तो पता होता ही है। अच्छा, ये मोबाइल इन भाइयों के पास थे, मोबाइल भी रखे हुए थे। उसके बाद हम दूसरे जनरल स्टोर में गए थे, दूसरे गोदाम में गए थे। यहाँ पे जो एंड्राइड्स मोबाइल थे ना यहाँ पे, वो काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में थे। और ये जो मोबाइल थे ना, ये हमें मिल रहे थे 8-8 हज़ार रुपये में ना, 8-8 हज़ार रुपये में, 8 GB रैम और 828 मेमोरी में ना एंड्राइड के पहुँचे। पर फ़र्क ये था कि 2 महीने सिम चलेगी, उसके बाद सिम वर्किंग नहीं करेगी, क्योंकि 2 महीने तक सिम चलती है, उसके बाद सिम चलना बंद हो जाती है। तो यहाँ पे मोबाइल थे, हमने यहाँ मोबाइल देखे थे। उसके बाद हम अंदर गए थे गोदाम की तरफ, हमने वहाँ मोबाइल देखे थे। काफ़ी हमने मोबाइल के रेट टच किए थे, लेकिन हम चाह रहे थे कि मोबाइल ले लें, लेकिन मेरे साथ जो थे उन्होंने कहा यार मोबाइल लेना बेकार है, क्योंकि यार सीन ये होता है कि यहाँ से हम जब ले कर निकलते हैं ना, तो पुलिस वगैरह रोक लेती है, कस्टम पे मोबाइल नहीं होते तो बिला वजह की पकड़ाहट होती है। हम दूसरी शॉप पे गए थे, ये भाई यूट्यूबर हैं, इनकी काफ़ी सारी वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी, शेरशाह का जनरल गोदाम के नाम से आप सर्च करिएगा कभी। इनके पास आईफोन थे, ये आईफोन 14 प्रो रखा हुआ था, इसके रेट ये दे रहे थे 25,000 रुपये, ये 25,000 में था। ये डमी था ना, ये और डमी था, ये उन्होंने लिखा था डब्बा पैक इनके पास रखे हुए थे। तो हम कहा था कि डब्बा खोल के मैं दिखा देता हूँ, उनने कहा नहीं रहने दीजिए, हम लोग बने रहने दीजिए यार। रश इतना था कि ये सही से बात नहीं करते, वरना ये अगर आप भी बात चाहेंगे और वीडियो शूट करने का बोलेंगे तो ये आपको मतलब काफ़ी इज्जत देते हैं। और यहाँ पे कैमराज भी थे, DSLR भी रखे हुए थे, टैबलेट्स, यार टैबलेट्स आपको मैं बताऊँ, टैबलेट्स है ना 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार में टैबलेट्स है, आईफोन के टैबलेट्स। और ये जो कैमरा है, ये कैमरे 2-2 हज़ार रुपये के रखे हुए थे। ये भाई के पास DSLR भी रखे हुए थे, और यहाँ पे ब्रांडेड परफ्यूम्स भी थे, बाहर के परफ्यूम्स से बड़े अच्छे परफ्यूम्स से, परफ्यूम्स भी आपको दिखाते हैं। ये आईफोन फोर था, इसकी ये दे रहे थे 4,500 रुपये, 4,500 रुपये की डिमांड कर रहे थे, और 2,000 या 2,500 में ये दे रहे थे।
तो ये काफ़ी पुराना था, इधर से मैंने इसको नहीं लिया, बाकी मोबाइल अच्छा सेट था ये। यार इन लोगों को ना चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, लैपटॉप वगैरह की। इनको जितना भी रेट ये मतलब जैसे कोई अगर कोई चीज़ है तो ये उसको देख के और जो इनको ठीक लगता है ये वही रेट बोलते, तो भले से वो रेट ज़्यादा हो उस चीज़ के या भले से उस चीज़ के रेट कम हो ही ज़्यादा बोल देंगे, इनको नहीं पता था। ये लोग बस सिर्फ अपना बेचने में लगे हुए थे, इनको चीज़ की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि हम क्या दे रहे हैं, कितने में दे रहे हैं। मार्केट में आज काफी ज्यादा रश था, मार्केट में बहुत रश था। ये आप देख सकते हैं, मैंने कहा था ना परफ्यूम्स वगैरह रखे हुए थे यहाँ पे, ब्रांडेड परफ्यूम्स की ये जो दुकान थी ना, इस दुकान की वजह से इस पूरे गोदाम में इतनी खुशबू महक रही थी बहुत ज़्यादा। तो हमने लैपटॉप चेक किया था, इस लैपटॉप में ना एक फॉल्ट था कि इसके ना ये नमलॉक वाले जो बटन्स होते ना नंबर, ये नहीं चल रहे थे ना। तो हमने इनसे कहा ये बटन नहीं चल रहे, तो वो हमें कह रहे कि आप लोगों को चलाना नहीं आता इसलिए आप लोगों को पता नहीं है, वरना ये इसमें सारी चीज़ें चल रही है, ओके प्लीज है। वो कह रहे कि हम इसमें ना फिल्म देखते हैं, तो मैं नहीं पता। अच्छा, हमने कहा ठीक है, हमने उसको छोड़ के फिर हमने दूसरी जगह आ गए थे, दूसरी शॉप पे। हमने यहाँ पे लैपटॉप चेक किए थे, यहाँ पे हमने मोबाइल चेक किए थे, यहाँ पे स्पीकर्स भी रखे हुए थे काफ़ी सारे। ये दो मौलाना भाई थे हमारे, इनके ना पास आईफोन से काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी ना, आईफोन से वन प्लस था, मोटोरोला के सेट थे, या काफ़ी सारे सेट थे। बस दिल में ये खटका था कि यार ले तो जाएंगे, लेने का मसला नहीं था, लेकिन मसला ये था कि सिम नहीं चलेगी, ये दो महीने सिम चलेगी फिर सिम नहीं चलेगी। तो इससे अच्छा है कि हमने कहा नहीं रहने दो, चीज़ दूर आने के बाद भी अगर ऐसी चीज़ लेके जाएंगे तो फिर बेकार है। मैंने ये सोचा था कि घर के लिए मैं एक सेट लूँगा आईफोन का ना, लेकिन फिर मेरा मूड चेंज हो गया, मैंने कहा नहीं यार बेकार है रहने दो, बाद में हम फिर कभी कुछ अच्छा सेट उठा लेंगे। ये एक और भाई है यहाँ पे, जो इनकी शॉप है ये यूट्यूबर है। दो यहाँ पे काफ़ी बड़ी शॉप्स थी यूट्यूब्स की, जिन पे ना काफ़ी ज़्यादा लोगों का रश था, तो लोग बस वहाँ पे खड़े हुए थे भाई, इतना रश लगा के कि पता नहीं क्या फ्री में बांट रहा है वो बंदा भाई, यार जगह तक नहीं दे रहे, और वो बंदा बात भी नहीं कर रहा था, वो बेच नहीं रहा था किसी को भी, मतलब दुकान थी लेकिन उसमें से लोग खरीदने कम। तो भाई ने हमें आईफोन 13 प्रो मैक्स का डब्बा खोल के मोबाइल दिखाया था, तो यार मेरा मोबाइल हाथ में आया ना तो माँ कसम यार लग ही नहीं रहा था कहीं से कॉपी है, 25,000 में आईफोन यार 13 किसी को क्या पता। तो बहरहाल हमने यहाँ पे रख दिया इसको अच्छी, और हम अब वीडियो का इख्तिताम करते हैं, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।